आखिर ऐसी क्या बात है जो सब लोगों को सहजन खाने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, अगर आप बुढ़ापे में खुद को अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहते हैं, वो भी दीर्घायु तक, तो सहजन खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सहजन के बहुत सारे औषधि गुण हैं जो आपको कई बीमारियों से दूर रखने में हेल्प करते हैं। सहजन में एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। साथ ही सहजन में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन C, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, जिंक, फास्फोरस, डाइट्री फाइबर जैसे गुणों से भरपूर होता है। सहजन बोन के लिए काफी फायदेमंद होता है, साथ ही गठिया और जोड़ों के दर्द जैसी समस्या को भी दूर करता है। सहजन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। पीरियड के समय महिलाओं को सहजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाता है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें भी सहजन का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से ब्लड प्रेशर और भी लो हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी को सहजन का सेवन नहीं करना चाहिए।